मैं एक ऑडियंस की तरफ बैठा था मैं नया नया ट्रेनर बन रहा था मेरे मन में एक सवाल आया यार काश इनके साथ कभी स्टेज शेयर करने का मौका मिले अभी तो मैं घुसा भी नहीं था इस इंडस्ट्री में और जब इंडिया में मैगडी आया था ना तो इंडियन जो रेस्टो थे उनका ये था यार ये मैगडी नहीं चलेगा हमारे यहाँ क्यों क्योंकि तो हमारे यहाँ जो इंडिया के आप किसी भी गाँव में किसी भी शहर में रहे उसके पचास किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई आदमी सौ करोड़ कमा रहा होगा तो लोगों ने कहा यार ये महेश्वरी ये टीचर आदमी है कोच आदमी है इसको क्या पता इंडस्ट्री कैसे चलती है फेल हो जाएगा और धीरे 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 नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड ऑफ नेशन के इस प्रोग्राम में और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं जाने माने मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस कोच एंड लाइफ मेंटोर बी एस आर सर तो सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं थैंक यू जी धन्यवाद करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने जो समय आज हमारी ऑडियंस के लिए निकाला ना मैं गारंटी करता हूं कि आप लोग लाभान्वित होने वाले हैं और वो बातें सीखने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने वाले हैं धन्यवाद अमित जी एंड धन्यवाद आप सभी को भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अमित जी मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं आपसे आपकी फिटनेस को लेके और आपने जो बिजनेसिस बिल्ड किए हैं दे आर रियली रियली गुड एंड उसके साथ में आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं और जो जो आपने बिजनेस में सीखा है वो लोगों के साथ बांट रहे हैं आई थिंक बहुत बड़ी सेवा है सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ एक स्पेशल मैसेज मैं चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को मिले क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि भाई हम जिस स्तर पे हैं जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास अच्छे साधन नहीं है हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है हमारी स्टेट अच्छी नहीं है कुछ लोग कहते हैं भाई मैं तो इस राज्य में रहता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उस तालुका में रहता हूँ इस गाँव में रहता हूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ करेट तो आपकी एक वीडियो मुझे बड़ी पसंद आती है जहाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं पावर ऑफ़ विजुलाइजेशन के बारे में बात करते हैं ईश्वर की दैवीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं एक तरह से दैवीय शक्ति है कि हम कोई चीज़ चीज़ सोचें और उसको अचीव कर लें मैं ये चाहता हूँ कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ विजुलाइजेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं ताकि उनको विश्वास हो कि आप कहीं भी रहते हो आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष्य या ध्येय आपने बनाया एब्सोल्युटली दोस्तों देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये एक नियम है एक सिद्धांत है जहाँ पे कि आपने कुछ कहा मैंने अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया इस समय जो कि गलत है तो आप मुझे गालियां देंगे और अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको सबसे अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे यार मजा आ गया ये वाली बात तो सुन के तो क्या हुआ इमीडिएटली मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है मैंने कहा मैं इस समय इस हाथ को यहां रखूं तो ये हाथ उधर चला जाएगा मतलब मेरा माइंड सोच रहा है तो हाथ जा रहा है ऐसे ही दोस्तों जब आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड सोचता है तो ही चीजें मूव करेगी इस कमरे में बहुत सारे स्विचेस हैं लेकिन जब तक मैं किसी स्विच को सोच के दबाऊंगा नहीं तब तक वो लाइट जलेगी नहीं करेक्ट ऑनऑट जी स्विच अवेलेबल है लाइट अवेलेबल है कनेक्शन अवेलेबल है मोबाइल अवेलेबल है मोबाइल के पास शक्ति है अमित जी की सारी दुनिया के किसी भी मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम नंबर कौन सा डायल कर रहे हैं जी अगर मैंने अमित जी का नंबर डायल किया तो अमित जी का नंबर ही लगेगा और अगर मैंने मेरी वाइफ का नंबर डायल किया तो उन्हीं का लगेगा लेकिन अगर मेरी शिद्दत है कि मैं मोदी जी से बात करूं और उसके लिए पूरा उनका नंबर वंबर ढूंढने में पूरी ताकत लगा दू अब आप कहोगे सर मोदी जी का नंबर आपको कौन देगा नंबर मिलेगा किसी डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा कहां से ढूंढ लोगे तो वहां पे नंबर ढूंढना थोड़ा सा अलग हो जाएगा वहां पे हो सकता है मुझे आ, किसी लोकल मिनिस्टर से बात करनी पड़े फिर उस मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करना पड़े फिर उस मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए मेरे अंदर कोई क्षमता हो फिर वो मिनिस्टर मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाएं या अमित शाह जी तक पहुंचाए वो मोदी जी तक कनेक्शन इट माई टेक सिक्स यू नो मोबाइल में तो आपने नंबर डायल किया फोन लग गया लेकिन लाइफ में नंबर डायल करने के लिए वो रोल्स रॉयस लाने का नंबर डायल करने के लिए हो सकता है पांच साल की मेहनत लग जाए तीन साल की मेहनत लग जाए सही तरीके से आप सिर्फ एफर्ट डालें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा और दूसरी चीज आप कौन से गांव में बताइए इंडिया के आप किसी भी गांव में किसी भी शहर में रहें उसके 50 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई आदमी 100 करोड़ कमा रहा होगा जी कोई ना कोई आदमी हजार करोड़ वाला भी मिल जाएगा कोई ना कोई आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसकी बहुत बड़ी कोठी होगी बहुत बड़ा बंगला होगा किसी के पास पूछते नहीं हो सकते लेकिन फिर भी कम से कम दस लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने खुद बिल्ड किया खुद और अगर आप मेट्रो में आ जाएंगे दिल्ली नोएडा गुड़गांव या आप मुंबई चले जाएं पूना चले जाएं बेंगलोर चले जाएं तो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में ना आपको एक एक लाख से ज्यादा करोड़पति मिल जाएंगे जी तो मुझे ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में अगर डेढ़ सौ करोड़ की जनसंख्या है उसमें से अगर दस लाख भी करोड़पति हैं जो बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं जी तो क्या मैं दस लाख लोगों से भी कॉम्पिट नहीं कर सकता मैं मतलब टॉप टेन लाख लोगों की श्रेणी में नहीं आ सकता इतने नाकारा हैं हम इतने बेवकूफ हैं हम इतने नालायक हैं यू you नो know, मैं समझ सकता हूँ कि मान लीजिए किसी चीज़ के लिए तीन ही सीट है तो वहां कॉम्पिटिशन ज्यादा है भाई प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो सकता है मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो सकता है जल संसाधन मंत्री बनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक ही सीट है पूरे इंडिया में लेकिन यार करोड़पति बनने की ना दस लाख क्या दस करोड़ सीटें हैं जितनी सीटें अवेलेबल है आप बन सकते हैं दोस्तों अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए मैं कहता हूं अमित जी मिराकल्स होते हैं तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा हम आलस में नेगेटिविटी में छोटी सोच में लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा अगर हमने लक्ष्य बना के उसमें लगा दी तो पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देगा Great. इसका मतलब जो भी चीज हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसको हम पहले विजुलाइज़ करें देखिए हमारी इंडस्ट्री में हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एक आर्किटेक्ट जब किसी बिल्डिंग को बनाता है करेक्ट तो कोई भी बिल्डिंग पहले एक बार में नहीं बनती वो पहले तीन बार बनती है सबसे पहले वो बिल्डिंग या, वो या वो उसके में बनता है। को दिखा नहीं सकते करेक्ट। लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसको पेपर पे ड्राफ्ट करके किसी को समझा सकते हैं जब वो प्लान पेपर पे बन जाता है तब उसका एग्जीक्यूशन होता है आप कहीं भी जा रहे हैं वहां जाने तक का भी एक विजुलाइजेशन है लेकिन छोटी छोटी विजुलाइजेशन को हम फील नहीं कर पाते कि जैसे मुझे मूवी मैं भाई पूरे दिन अपने घर रहता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ लेकिन रोज मूवी नहीं जाता ना जिस दिन मैंने विजुलाइज किया कि मुझे मूवी देखने जाना है तो मेरा पहला स्टेप हुआ टिकट बुक करना करेक्ट दूसरा स्टेप हुआ मूव टू द थिएटर उसके बाद वहां पहुंच जाना और मूवी देखना तो छोटे छोटे विजुलाइजेशन कैसे काम करते हैं जैसे छोटे विजुलाइजेशन काम करते हैं वैसे ही बड़े विजुलाइजेशन काम करते हैं एक बड़ा स्ट्रक्चर बनने के लिए पहले बिल्डिंग का प्रोटोटाइप सैंपल बनता है फ्लैट बनता है और उसके बाद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग दृश्यांत हो जाती है करेक्ट। ठीक उस तरह से काम करता है और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप राठौर सर की बोलते हैं और <laughs> आप तो पूरी सीरीज एक स्टूडेंट को ट्रेन करने की हैं कैसे <laughs> आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके प्रोग्राम है पूरा 28 दिन का प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल कोच बी पे है उसमें भी लाइव वीडियो जितने भी हैं वहां जाइएगा इसको डी कोड करके समझिए ये, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ये हमारे अपने आप को समझने की विद्या है कि भाई मेरा विचार क्या है आप जब किसी चीज के बारे में अति चिंतन करते हैं तो चीजें नहीं होती है जब बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो तो चीजें नहीं होती क्यों नहीं होती आपको सीखने को मिलेगा यू नो you know, मैं माफी चाहूंगा आधे घंटे के इस इंटरव्यू में बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीजें सिखाने का लेकिन जो भी सिखा पाऊंगा वो जरूर सिखाऊंगा सर कोई एक ऐसी टेक्निक कोई एक ऐसी बात

जैसे ही वो ना, थोड़ी सी देर तो माइंड तो कहेगा कॉन्शियस करोड़, 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 करोड़ का आए से आएगा तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं कुछ नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है कॉन्शियस माइंड सवाल उठाता है तो हम लोग एक टेक्निक सिखाते हैं लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज और ये टेक्निक रामबाण टेक्निक है और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहिए अमित जी को कि ये टेक्निक फ्री में आप सभी को मिल रही है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं भी फ्री सिखाता हूँ लेकिन ये टेक्निक के तीन सिंपल स्टेप है अमित जी जी सर मैं अभी, अभी अभी आपने कहा पहले माइंड में बनती है फिर पेपर पे आती है और उसके बाद हकीकत में बनती है मूवी बनती है तो भी यही होता है एक डायरेक्टर सो, सोचता है सर फिर स्क्रिप्ट लिखवाता है या पहले कोई स्क्रिप्ट आती है फिर उसको स्क्रिप्ट को एनहांस किया जाता है बट आई थिंक स्क्रिप्ट आई नहीं सकती जब तक कोई सोचेगा नहीं तो सोचता है स्क्रिप्ट आती है फिर उसके ऊपर पूरा सीन शूट होता है और फिर दर्शकों को मूवी दिखती है यही एग्जैक्ट सेम टेक्निक है दोस्तों आपको क्या चाहिए आपको घर चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए बड़ा बिजनेस चाहिए बहुत लग्जरी चाहिए आपको लोगों की सेवा करनी है स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है गांव को स्वर्ग बनाना है खेती करनी है वॉट एवर यू वो डू लिखें एक स्क्रिप्ट कि आज ये तारीख हो गई है और ऐसा वहां माहौल है मैंने अपनी बहन की शादी के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी और एग्जैक्ट वैसे का वैसा डिटो हो गया आज मैं अपने बिजनेस में हर चीज की स्क्रिप्ट लिख देता हूं मुझे मान लीजिए अगले महीने तीन करोड़ रुपया चाहिए या तीस करोड़ रुपया चाहिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा आप बोलोगे अगले महीने आ जाएगा शायद नहीं आएगा मेरे हाथ में क्या है गेम खेलना है यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स को कमांड दे देना भाई मुझे सौ करोड़ चाहिए अब दे के भूल गए

स्टेज पे देख रहा था वो बंडल बॉक्सेस रखे हुए थे कहा यार इनमें कुछ बुक्स वगैरह है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग था कुछ काश मुझे मिल जाए आठ साल बाद दोस्तों मेरे पास आया वो खुद चल के एंड आई वॉज थ्रिल्ड दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आप पहला स्टेप है स्क्रिप्ट लिखें आपको जो चाहिए अच्छा आपको इंपॉसिबल कि अगले महीने नहीं होगा तो अगले महीने शायद नहीं होगा सौ करोड़ लेकिन आप आपका काम उसमें डेट डालना नहीं है आपका काम है हुरे, मेरे पास करोड़ रुपए आ गए हैं और मैं ऐसे इंजॉय कर रहा हूं वैसे इंजॉय कर रहा हूं घूमने जा रहा हूं परिवार वालों के साथ जा रहा हूं बैंक बैलेंस बिल्ड कर रहा हूं प्रॉपर्टी ले रहा हूं अपने पैसे को सिक्योर कर रहा हूँ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं आप ये सारा स्क्रिप्ट लिख दीजिए और स्क्रिप्ट में फीलिंग डालिए इमोशन डालिए स्क्रिप्ट को ऐसे कीजिए जैसे कि स्क्रिप्ट अभी घटना घट रही है आपके सामने मतलब ऐसा चलना चाहिए कि आपके माइंड में आप शॉपिंग कर रहे हैं आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस गाड़ी को खरीदते समय जो सारी घटनाएं हैं वो सारी स्क्रिप्ट में डाल दीजिए दस पेज की स्क्रिप्ट बनाइए बीस पेज की स्क्रिप्ट बनाइए उसके बाद सेकेंड स्टेप जी उस पूरी स्क्रिप्ट को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए क्यों क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ट्रस्ट आपकी खुद की आवाज पे करता है लोगों को मैं कितना भी बोल दू तुम कर सकते हो लेकिन अंदर से जब तक खुद की आवाज नहीं आएगी ना मैं कर सकता हूं तब तक कोई नहीं कर पाएगा तो अपनी आवाज में उसे एक्साइटमेंट के साथ जोश के साथ एनर्जी के साथ रूम में म्यूजिक चला के डांस करते हुए रिकॉर्ड कीजिए बिल्कुल एंड तीसरा स्टेप सर बहुत ही सरल है हर रोज रात को उसे सोने से पहले प्ले कर दीजिए और चला दीजिए And ये तीन चीजें अगर हो गई तो मैं कह रहा हूं क्या बात है आठ घंटे आप सो रहे हैं और आठ घंटे जब आप सो रहे हैं ना आपका माइंड सोचता रहेगा ये हो गया ये हो गया एट आवर्स और कॉन्शियस माइंड सवाल नहीं करेगा सर जी कैसे होगा कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है और जब सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा है तो सब कॉन्शियस माइंड इस पूरी चीज को अपने अंदर ले लेगा ले और सबकॉन्शियस माइंड में सर एक छोटा सा

कोरलेट करू ना तो जब मैं मोटा था बहुत ज्यादा छियानवे किलो का वजन <laughs> जिम में दो लड़के खड़े थे अरे देखिये माइशरी ने क्या बोल रहे हैं मनका भाई क्या हुआ <laughs> <laughs> करे मोटाप की बात बोल रहे का भाई सिक्स पैक मैं अचीव करूंगा भाई एक साल में भी कर जाए ना तो इस पूरे जिम की फीस मैं दूंगा अच्छा तो मैंने कहा ठीक है एक साल बाद -बात hmm. कि कमर का साइज है आज की डेट आप नोट कर लो कंप्लीट hmm. किया और एग्जैक्ट सेम डेट एटीन अप्रैल टू को सिक्स पैक एब्स का मैंने शूट किया wow. इसीलिए ना एक बात मैं कहता हूँ अपनी कविताओं में अक्सर मैं जो कविताएं लिखता हूँ वो hmm. बाद में कंपोजिशन होने के बाद म्यूजिक बनता है गाने बनते हैं और कई गाने एल्बम्स में भी हैं कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है और समंदर की अथा गहराई पसंद है मुझे समंदर की अथा गहराई पसंद है मुझे और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे और समयबद्धता के साथ जीत जाने में, में मजा आता क्या है क्या बात है तो एटीन अप्रैल टू थाउजेंड एटीन दैट इज डिसाइडेड लक्ष्य कठिन है क्या एक सैंतालीस इंच की कमर को अट्ठाईस इंच की कमर तक लाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है पर आपके फार्मूले से पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से मैंने के लिए same day, मैंने एक सूट बाय किया वो शोरूम वाला बोला किसके ले ले जा रहे हो मैंने कहा मैं जा रहा हूं इस सूट को मैं पहनूंगा उसने पूछा कब मैंने कहा अट्ठारह अप्रैल दो हजार अठारह अरे भाई साहब कमाल है कौन है आप मनका कौन हूँ मैं मैं यार एक मोटा बंदा हूँ लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है मन का मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा 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 हाँ ठीक है आपके वीडियोस देखता हूँ सॉरी सर मैंने पहचाना नहीं तो कई बार हम विजुलाइज जैसा करते हैं वैसा हासिल कर लेते हैं एक विजुलाइजेशन के बारे में और इस विजुलाइजेशन को कैसे हम अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं ये बात मैं जानना चाहता हूँ आज ना इकोनॉमी में कही कहीं ना कहीं रिसेशन है और रिसेशन होने की वजह से ना हर व्यक्ति अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर रहा है तो वो सोचता है कि मैं अगर प्राइस घटा दूं डिस्काउंट कर दूं तो शायद मेरी सेल्स बढ़ जाएगी पर ऐसा होता नहीं क्योंकि कॉम्पिटिटर भी यही कर रहा Absolutely. है कहीं ना कहीं घटते 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 वो ऐसे प्राइस पर आ जाता है जहां प्रॉफिट होता नहीं और प्रॉफिट नहीं होता तो सेल्स के बाद भी लॉस हो जाता है और उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है तो पावर ऑफ विजुलाइजेशन तो आप बताते ही है। साथ साथ आप सेल्स पर बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं मार्केटिंग पर बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं बिजनेस लर्निंग पर बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और काफी सारे कोर्सेज सेमिनार वर्कशॉप करते हैं तो सर मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी टिप्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे चैनल पर बिजनेस ऑडियंस है बिजनेस बेस्ड ऑडियंस है तो उनको बताएं सेल्स कैसे ग्रो करें मार्केटिंग की राइट स्ट्रैटेजी कौन सी लगाएं जिस स्ट्रैटेजी ने आपको एक सुपरस्टार बनाया जिस स्ट्रेटेजी के जरिए आप बन रहे हैं, हैं। में चारी नहीं है। आप बन चुके हैं आप सिर्फ उसको विजुलाइज करने के साथ साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपका ग्रेटिट्यूड है थैंक यू सर तो प्लीज दैट इज टू यू तो दोस्तों देखिए जैसे अमित जी ने कहा कि हम सेल्स में कोशिश करते हैं कि प्राइस घटाते जाएं कंपटीशन में जाते जाएं मैं कहता हूं ये बिल्कुल ना करें प्राइस मैंने डिसाइड कर ली माइंड में मुझे पाँच लाख रुपए चार्ज करना है अब कंपटीशन क्या चार्ज कर रहा है वो मुझे ख़ास मैटर नहीं करना चाहिए हाँ मैटर इस लेवल पर कर सकता है कि भाई एक पानी की बॉटल है और उसमें हमने दस एम एल पचास एम एल जितना भी पानी डाला है और मार्केट में वो साढ़े छः में दे रहा है अब कुछ जरूरी नहीं कि हम छः में दें हम आठ में दें क्योंकि उसी मार्केट में उसी साइज की कोई बॉटल बीस रुपए में भी बिक तो रही है और आजकल तो करके दो सौ रुपए की भी बैठे तो यहाँ पे सर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन uh, का एग्जाम्पल है वैसे तो ये एग्जाम्पल सच है या नहीं है मुझे नहीं पता मैंने किसी किताब में पढ़ा है और कई बार सुना है एक बार माइकल जॉर्डन के फादर ने उसे कहा बेटा कुछ काम करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा एक काम कर ये रुमाल ले और इसको बेच के आ माइकल जॉर्डन गया पूरे मार्केट में और उसने दिन भर बैठा रहा दिन भर बैठा रहा और दिन भर बैठने के बाद उसने दो डॉलर कमा के आ गया और पिताजी कहा पापा ये लो दो डॉलर मैंने रुमाल बेच दिया पिताजी ने खुश नहीं हुए पिताजी पिताजी ने कहा क्या है ये अगली बार यही रुमाल मुझे चाहिए कि तू बीस डॉलर में बेच के आए बीस डॉलर में कैसे बेचूंगा दो डॉलर के लिए मुझे दिन लग गया. 20 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पिताजी ने कहा घर में नहीं घुसेगा मिलेगा अगर तू बेचेगा चित्र बना दिया और बोला मिकी माउस की पेंटिंग सिर्फ बीस डॉलर में एंड धीरे धीरे हुआ ये बीस डॉलर में बेच के आ गया वो आया बड़ा खुश हुआ पापा मैंने बीस डॉलर में बेच दिया एंड खुश नहीं में बोले 200 डॉलर में बेच गया <laughs> अब माइकल जॉर्डन गए कैसे अब उसने कहा यार इस पे कोई सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ आ जाए तो मजा आ जाए तो एक शूटिंग चल रही थी वहां चला गया छोटा बच्चा था घुस गया और हीरोइन को बोला मैम इस साइन कर दीजिए और मैम ने साइन कर दिया ऑटोग्राफ और इस हीरोइन के अब हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस हीरोइन का ऑटोग्राफ वाला रुमाल ओनली इन टू हंड्रेड डॉलर हो टू हंड्रेड डॉलर में बिक गया दोस्तों देखिए इस कहानी से हम क्या समझते हैं प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने वैल्यू 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 एड कर दिया तो आपका प्रोडक्ट आपकी मुंह मांगी प्राइस में बिकेगा आज रोल्स रो सर कार देगी नहीं आपको ऐसे ही बोले तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है भाई तुम्हें कार चाहिए तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है तुम हो कौन तुम पैसा लेके बैठे हो उससे हमें मतलब नहीं है तुम पहले चेक कराओ कि तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो तुम्हारे पास कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो हमारी ब्रांड की वैल्यू है आज रोल्स रोयस इतना महंगा कार बेच पा रही कैसे दोस्तों कहीं ना कहीं दे हैव द प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट को उस लेवल पे वो बना पा रहे हैं सो so मैं आपको कहूँगा प्राइस ट्रैप में ना जाएं क्योंकि प्राइस ट्रैप का कोई एंड नहीं है मैं कहूँगा अपने प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा वैल्यूएबल सिद्ध भी कर सके साबित भी कर सके और उसमें रियल में वो वैल्यू भी डाल सके जैसे कि हम लोग एज ए ट्रेनर बहुत सारे ट्रेनर हो गए मार्केट में अब बहुत सारे ट्रेनर हैं तो यूनिकनेस बनाए रखने के लिए मेरा अलग तरीका है अमित जी का अलग तरीका है किसी और का अलग तरीका है और हमारे तरीके के हिसाब से हम अपनी प्राइस लेते हैं पांच लाख में भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं कोई कोई प्रोडक्ट बीस okay. लाख में भी बेचते हैं और आप माने ना माने अभी अभी रिसेंटली मैंने सिर्फ बिजनेस कोचिंग एक सिंगल कस्टमर को एक करोड़ रुपए में बेचा है एंड दिस इज पॉसिबल बट ये है कि आप जब बैठते हैं तो उनकी प्रॉब्लम हम समझते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कितना हमें काम करना पड़ेगा और फिर उनको बताते हैं कि जब एक करोड़ आप दे रहे हो ना सर हम पाँच करोड़ पंद्रह करोड़ का प्रॉफिट आपको कैसे निकाल के देंगे प्रॉफिट पे बात करते हैं टर्नओवर पे नहीं सिर्फ कि एक करोड़ गया सौ करोड़ कर देंगे प्रॉफिट और दोस्तों जब हम सारी बेसिक स्ट्रैटेजीज लगाते हैं तो होता ही है मैं आपको बताता हूँ अमित जी बिजनेसमैन का बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है अगर उसने थोड़ा सा फोकस लगाया थोड़ा सा दिमाग किया अब एक बिजनेसमैन बोल रहा है गला ही नहीं छूट रहा गला ही नहीं छूट रहा मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा भाई जाना बिग बाजार में जा वहां पे कैसे कोई भी मालिक बैठा ही नहीं है वो तो 200-500 स्टोर खोल के बैठे हैं मालिक बैठा ही नहीं क्यों नहीं बैठा सिंपल एक स्कैनर है एक बार कोड है एक कंप्यूटर है जिसमें एक सॉफ्टवेयर है तुम एक सॉफ्टवेयर खरीद लो एक बार कोड लगा दो एक कमरा लगा दो नहीं 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 सर ये तो मेरे छोटे बिजनेस में नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा हर बिजनेस में चलेगा सिस्टम ड्रिवन बिजनेस जब बनाएंगे तो वो सिस्टम डेवलप होता चला जाएगा उसी की इम्प्लीमेंटेशन से आप ग्रोथ करना शुरू कर देंगे वेरी टू और इतना सरल सी चीज़ अगर कोई नहीं सीख पा रहा तो मैं कहूंगा वो इंसान फिर गधा है वो बिजनेसमैन नहीं है वो सिर्फ गधा मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है जी दोस्तों सिस्टम लगा दीजिए क्यों नहीं बनेगा आपका बिजनेस अगर हजारों दुकानें चल रही है जिनसे आप खुद जाके खरीद रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं चलेगी नहीं हमारी और लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता सर हमारे, हमारे यहाँ तो उधारी में ही चलता है एक <laughs> एक कंसेप्ट था इसी बात को लेकर एक मेरी बात याद आई जब इंडिया में मैगडी आया था ना तो इंडियन जो रेस्टो थे उनका ये था कि अरे ये मैगडी नहीं चलेगा हमारे यहाँ क्यों क्योंकि हमारे यहाँ जो अतिथि है अतिथि देवो देवभाव का हम स्वागत करते हैं एक ग्राहक हमारे यहाँ आता है रेस्ट्रो में बैठता है खाना खाता है जब वो अच्छे से खा लेता है उसके बाद हम उसको हैंड वॉश देते हैं और बाकी चीज़ें देते हैं सौंफ वगैरह देते हैं फिर बिल लेके आते हैं और वो पे करता है <laughs> लेकिन ये मैग्डी हमारी इंडिया में चलेगा क्यों क्योंकि ये कहता है कि ठीक है अगर आपको बर्गर चाहिए कम टू द विंडो पे मनी गेट योर बर्गर एंड गो टू द सीट दीट इट है ना तो ये कॉन्सेप्ट था okay. लेकिन आज इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं वो hmm. लोग लो देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है जहाँ पर इम्प्लॉइज नंबर ऑफ इंप्लाइज कम लगाने पड़ रहे हैं इससे हमारी कॉस्ट कॉन्शियस हम लोग बन जाते हैं हमारी कॉस्ट कम होती है तो हम अच्छे से बिजनेस में अपने कस्टमर को ज्यादा सर्विस दे सकते हैं राइट right मार्केटिंग कर सकते हैं और एक्सपेंशन कर सकते हैं so आज इंडिया के जो ब्रांड्स हैं हैं वो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड सेटर बनते हैं या किसी को फॉलो करते हैं या आप सोचते हैं मेरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता बिजनेस hmm. कोचिंग में भी ना बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि सर हमारी इंडस्ट्री में ना उधार जाता है <laughs> जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना हमारी इंडस्ट्री का फॉर्मेट था फिफ्टी परसेंट ऑन ऑर्डर फोर्टी परसेंट ऑन डिस्पैच जब मेटर कंज्यूमर के यहां पहुंच जाएगा और टेन परसेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन Correct. हम नया ट्रेंड लेकर आए हमने hmm. तो ये ये <laughs> कहा फेल दीज़ हो जाएगा दीज़ और धीरे 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 जब हमने एक्सपेंशन करना शुरू किया आज दूसरी कंपनी इस फॉर्मेट को अपना रही है कि मेटास वाले भी तो हंड्रेड एडवांस लेते हैं तो क्यों ना हम भी लें तो आप इस बात को ऑब्स्टेकल को छोड़ दें कि आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं बशर्ते आपको विजुलाइज हो कि मुझे करना क्या है एब्सोल्युटली है ना सर so सेल्स को लेकर हमने बात की विजुलाइजेशन को लेकर बात की अभी लोगों के मन में ना एक बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है मैं देखता हूँ कि लोग कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हैं कई चीज़ों को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर मतलब उनको हमेशा से लगता है पता नहीं भविष्य में क्या होगा hmm. वर्तमान को वो जी नहीं रहे हैं क्योंकि आप विजुलाइजेशन पर और स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं मैं देखता हूँ जो ईश्वर के ज़्यादा करीब होते हैं ना उनको ईश्वर की असीम क्षमता पर शक्ति पर पूरा विश्वास होता है True. लोगों के मन में जागरूकता कैसे है कि यस मेरी लाइफ ना प्री डिसाइडेड है केवल मुझे राइट ट्रैक पर चलना है hmm. और वो हर चीज हासिल करनी जो मैं करना चाहता हूँ इसके लिए उनको पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिले कैसे वो मेडिटेशन करें कैसे वो लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं ये जरूर है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मेरे दिल के करीब है ये सवाल <laughs> आ, दोस्तों देखिए जिंदगी में हमें लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ अमित जी कुछ कर रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है लेकिन एक चीज तो पहले देख लेते हैं मैं ये इंटरव्यू खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं मैं ये इंटरव्यू खुशी से कर रहा हूं right? राइट मतलब ऐसा लोड नहीं है कि इस इंटरव्यू में करोड़ सब्सक्राइबर होने चाहिए और लाखों लोगों तक एक भी आदमी देखेगा तो जी, मजा आए नहीं भी है तो आई एम इंजॉइंग टॉकिंग टू द कैमरा मैं खुशी से कर रहा हूं आई एम इंजॉइंग टॉकिंग टू अमित जी तो सबसे पहले तो खुशी से करें दूसरी चीज लोड तो बिल्कुल मत लें तो मैं ये कहता हूं अमित जी बड़े हंसी मजाक में मोज लो रोज लो, रोज लो, मोज मोज लो, रोज रोज लो ना ना मिले तो खोज लो दर्शकों ध्यान से सुनिएगा रोज लो मोज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो बट कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं लोड खोज लेते हैं यार उसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है। शिट मेरे पास तो यही नहीं लोड आ गया अरे वो ज्यादा पैसा कमा लिया अमित जी ने मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ ये लोड आ गया लोड तो लो ही मतलब सिंपल फॉर्मूला एल एम एल लोड लो दोस्तों लोड क्यों लेना है

तो कौन है ऐसा हो सकता है एक आधा कोई बहुत ही कहीं ऐसी जगह पे हो जिसको बिल्कुल ही इंटेलिजेंस नहीं हो और वो कहीं पड़ा पड़ा भूख से मर गया हो तो बात अलग है अदरवाइज वी आर ऑल टेकन केयर ऑफ यार इतनी ऑक्सीजन मिल रही है ना आराम से जी। इतने सारे लोग है फिर भी ऑक्सीजन तो मिल रही है ईश्वर की दिव्य शक्ति के कैसे अंश है जिसको ध्यान रखने का पूरा पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी वो ईश्वर की है लेकिन हम क्या सोचते हैं नहीं मैं अकेला हूं और मुझे अकेले ही सब कुछ करना है दोस्तों पहली चीज विश्वास करें कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई पावर है जो हमें चला रही है दूसरी चीज़ उसके नियमों को समझें उसका नियम यह है कि भाई इंसान आया है तो घर में बैठने के लिए नहीं आया चिंता करने के लिए नहीं आया चिंता से कभी कुछ मिला नहीं नेगेटिविटी से कुछ मिला नहीं थोड़ा हंस के देख लो थोड़ा पॉजिटिव होकर देख लो लोगों के पास जाओ थोड़ा स्माइल कर दो स्माइल करोगे क्या पता आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं क्या पता आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाए जो भी सपोर्ट ब्लॉक कर रखा है हमने खुद ने कर रखा है हमारे माइंड से क्योंकि हम कह रहे हैं नहीं मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा आजकल दुनिया बुरी है मुझे बताइए आप पांच दस परसेंट लोग बुरे होंगे हो सकता है, वो पावर में हो, हो सकता है पैसों में हो वट एवर नाइनटी परसेंट पीपल आर गुड नाइन्टी परसेंट पीपल वॉन्ट टू ग्रो नाइनटी परसेंट पीपल वॉन्ट टू रिलीड लीड ए गुड लाइफ लग्जूरियस लाइफ बढ़िया लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ मेडिटेशन वाला लाइफ तो हमें जब 90 परसेंट लोग अच्छे हैं तो हमें दुनिया में अच्छा ही देखनी चाहिए लोग अच्छे हैं लोग सपोर्टिव हैं लोग यू you नो know, कुछ कुछ लोग चीटर्स होंगे देखिए सौ के सौ लोग आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है आपकी बॉडी का हर ऑर्गन सेम जैसा नहीं है तो फिर कुछ तो अलग हो सकता है ना कोई दिक्कत नहीं है सो तो दोस्तों स्पिरिचुअलिटी को समझें स्पिरिचुअलिटी है अवेयरनेस अवेयरनेस मतलब यार मैं आया हूं तो कुछ तो करने के लिए आया हूं और मैं कहता हूं सब कुछ परफेक्ट है जो जैसा होना था वो वैसा है इस समय आपकी जिंदगी में और अब ऑप्शन आपके पास दो है इसे रोते रोते इंप्रूव करो या इसे हंसते हंसते इंप्रूव करो तो एक हस्ते हस्ते बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट मुझे यहां पर आई एक गुरु जी से एक आध्यात्मिक गुरु जी थे उनसे एक व्यक्ति एक बात बोलता है कि गुरु जी मेरी क्षमताएं बहुत अधिक है मैं इस समय यहां होता मेरे पास इतना पैसा होता मेरा ऐसा माइल होता मैं इस ट्रैक तक पहुंचता मैं इतने लोगों से आगे होता तो गुरुजी ने एक बात कही और बात हर व्यक्ति पर लागू होती है गुरु जी ने कहा बेटा ये सब तेरा भ्रम है hmm. तू जहां है ठीक यही तुझे होना चाहिए था क्योंकि <laughs> इतनी ही तेरी क्षमता है अगर यहां से आगे होना चाहता है तो अपनी क्षमताओं का विकास कर True. और क्षमताओं का विकास करने के लिए ना गुरु चाणक्य ने भी एक स्टेटमेंट कही थी कि अगर सारा जीवन अनुभव करके सीखने पर लगा दोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा इसीलिए जरूरत है हर व्यक्ति जिसने वो ज्ञान हासिल किया है उसके सानिध्य में जाओ उससे मिलो उसे बातचीत करो उसके अनुभव को अपने जीवन में जब ग्रैप करेंगे ना तो कम समय में आप ज्यादा अनुभव ले पाएंगे सो so ट्रू इसीलिए तो हमारे देश में ट्रेनर्स को गुरुओं को स्पीकर्स को बहुत ज्यादा मान दिया जाता है क्यों क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप राठौर साहब के वीडियो को देखें बी एस आर के नाम से ब्रांड पूरे वर्ल्ड में फेमस है तथास्तु <laughs> तथास्तु तथास्तु सर के चैनल चैनल मैं कहूंगा अभी तक वर्ल्ड में फेमस नहीं है तो हो जाए आपके को आप फॉलो करें वहां आपको स्पिरिचुअल लाइफ पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे से और से जितना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा भारत देश समृद्ध होगा और हम लोगों का उद्देश्य है कि भारत एक समृद्ध देश हो साथ साथ सर के काफी सारे कोर्सेज होते हैं और कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी आपको सर के फेसबुक पेज यूट्यूब पेज इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली है अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए जरूर रजिस्टर करें ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल की पूरी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं बाकी इसकी पूरी डिटेल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाली हैं तो यही बात मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप जरूर जीवन में पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर सफलता हासिल करेंगे सर अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बात सर की तरफ से मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि ठान कर देखो हृदय दे में काम कोई मुश्किल नहीं ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं याद रखो जो कर्म करेगा भाग्य उसका दास है मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे पास है और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा कहते ना कि टारगेट लगाएंगे जहां हम टारगेट लगाएंगे वहीं जो तीर हुँ, हुँ. लक्ष तो तीर जाएगा लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा और काम ना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं याद रखो तुमने सोचा ना किया तो क्योंकि ये वीडियो तो लाखों लोग देख रहे हैं ना सर जी कि तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा और सपना ये मेरा ही था बस मन में पछतावा रह जाएगा ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं सर बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आपके बहुमूल्य समय का मैं देखता हूँ आपके रेगुलर शेड्यूल रेगुलर प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमेशा शायद ही कोई ऐसा स्पीकर होगा भारत देश में जो लगातार अट्ठाइस दिन के प्रोग्राम्स कर रहा होगा एंड आप इतनी लंबी जर्नी करते हैं इतना डेडिकेटेडली आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उसके लिए हृदय की कह से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अमित जी धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को भी धन्यवाद आप सभी खुश रहें मस्त रहें आपका मंगल हो गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच सर सर